So let's understand what is invitation to offer. देखो invitation to offer का मतलब है, पहले तो offer आपको पता है, अगर मैंने आपको कोई offer दिया कि ये ले लो खरीदो, क्या ये आप खरीदोगे, that is offer. लेकिन invitation to offer का मतलब क्या होता है कि मैं offer नहीं दे रही, मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे offer दो, मैं आपको invite कर रही हूँ कि आप मुझे आके offer दो ना, फिर मैं उसे accept या reject करूँगी, मेरी मर्जी. समझ आ रहा है? मैंने आपसे कहा कि आप मुझे offer दो. Like for example, मेरी एक दुकान है और उस शॉप के ऊपर बहुत सारे बुक्स मिलती हैं और मैंने बुक्स डिस्प्ले कर दी. अब वो जो बुक्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बुक खरीदो बुक खरीदो, आप ये बुक खरीदोगे क्या, मैं आपको ऐसे नहीं पूछ रही. मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोग आओ और मुझसे पूछो क्या भैया आप ये बुक खरीदोगे बेचोगे मुझे. समझ आ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ मैं, कि जब कभी भी इन्विटेशन टू ऑफर होता है तो वहां पर जो सेलर है वो ऑफर डायरेक्टली नहीं देता, वो इनवाइट करता है, वो ऑफर सर्कुलेट करता है कि आप लोग आके मुझे ऑफर दो, आप लोग आके मुझे ऑफर दो, मैं इसके लिए आपको इनविटेशन भेजूं. जितने भी आपके सुपरमार्केट्स हैं, शोरूम्स हैं, जहां पर इट इज ऑल एप्लीकेबल देयर. लाइक फॉर एग्जांपल हम रिलायंस मार्केट में गए और वहां पे एक मुझे कोई लेस पैकेट लेना था. अब वो लेस का पैकेट मैंने पिक करा एंड आई वेंट टू दी कैश काउंटर. जैसे ही मैं कैश काउंटर पे गई, दैट टाइम आई एम गिविंग दी ऑफर कि भैया ये लेस का पैकेट आप मुझे बेचोगे. नाउ दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द वेंडर कि वो मुझे बेचना चाहता है या नहीं. उस समय वो मुझे ना भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है. मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आपको बेचना ही नहीं था तो आपने ऑफर क्यों दिया, क्योंकि उसने तो ऑफर ही नहीं दिया, उसने तो मेयर इनवाइट किया है कि मैं उसे ऑफर दूं. आपको समझ आ रहा है इनविटेशन टू ऑफर? जितने भी सुपरमार्केट्स या ऐसे एग्जांपल्स हैं वो सब इनविटेशन टू ऑफर के होते हैं. एंड इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर कि आप मुझे आके ऑफर दो, इट इज नॉट एन ऑफर. तो इनविटेशन टू ऑफर का तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑफर ही नहीं है. एक बार पढ़ते हैं हमारे पास थ्योरी में क्या लिखा है. An offer should be distinguished from an invitation to offer. An offer is definite and capable of converting an intention to a contract, whereas an invitation to offer is only a circulation of an offer. समझ आ रहा है? If someone advertises that they have books to sell or inventory of books to inventory, such an advertisement is an offer to negotiate and an offer to receive an offer. In such cases, the person who induces in the advertisement is mere asking the other person to make him an offer and he will have all the opportunity to accept or reject it. Hence, it is said that he is making an invitation to offer, not the real offer. ठीक है? समझ आया? क्या बोला उसने? He is making an invitation to offer, not the real offer. Is it clear? This was invitation to offer. समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके सोना है पूरा अच्छे से. आज के दिन में आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाना चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, सी यू, हैप्पी लर्निंग.